रावण संहिता कहा जाता है कि रावण द्वारा रचित रावण संहिता में ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो कि अचूक मानी गई है। यह किताब बहुत ही प्राचीन है और आज के समय में इसकी असली होने की प्रमाणिकता कोई नहीं दे सकता। जिस तरह के लाल किताबें के नाम पर नकली किताबें मिलती है, ठीक उसी तरह रावण संहिता के नाम पर नकली रावण संहिता मिलती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि रावण संहिता की एक प्रीति देवनागरी लिपि है जिसमें देवरिया जिले के एक गांव दूरी नलिया में सुरक्षित रखी गई है। रावण जिस ग्रंथ की रचना की थी उसमें शिव तांडव स्रोत और रावण संहिता प्रमुख है। उपनिषद 1008 से भी अधिक है, लेकिन इनमें से केवल 108 ही मुख्य हैं। ये सभी उपनिषद वेदों के सार हैं। इनमें से कई रोचक, अलौकिक और रहस्यमयी बातें की गई है जिसे पढ़कर आपकी सोच बदल जाएगी, जिसे आपका संसार देखने का नज़रिया तक बदल जाएगा। हिमांशास्त्र एक रहस्यमयी किताब है जिसकी रचना ऋषि भारद्वाज ने की थी। उन्होंने अपने इस किताब में विमान बनाने की जिस तकनीक का उल्लेख किया है उसका प्रचलन आधुनिक युग में भी होने लगा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्त नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी वर्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया। कहते हैं इस दिव्य ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण करने वाले विविध धातुओं निर्माण का विवरण मिलता है। पारद यंत्र विज्ञान हिमाचल के निर्मन जिले में 250 वर्ष पुरानी पारद विज्ञान नामक पुस्तक मिली। इसके बारे में राष्ट्र पांडुलिपि मिशन ही बता सकते हैं। इस पुस्तक के ऊपर शोध किया जा रहा है। पारद विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की प्राचीन पुस्तक जिसमें शायद आयुर्वेद तंत्र ज्योतिष की वह तमाम जानकारियां उपलब्ध होगी। अथर्ववेद एक बहुत ही रसमय किताब है जिनमें ऐसी ऐसी विद्याओं का वर्णन किया गया है जिसे सुनकर आपको यकीन तक नहीं होगा। कहते हैं कि षड्यंत्रकारी यदि कुछ देखकर या फिर किसी अन्य उपाय से आपका अहित किया है तो आप किसी यक्ष का स्मरण कर ध्यान आस्था में रहते हुए यह आभास पा सकते हैं कि आपके खिलाफ कहां कौन सा कुचक्र हो रहा है। हम में से कई लोग ने रेकी विद्या का नाम सुना है जिस हम लोग जापानी विद्या कहते हैं, लेकिन संवर्ग विद्या जो उपनिषद योगेश गार्वइन को आती थी, यही गारीवन की रेक ऋषि के विराट से चढ़ते ऊर्जा सीधे सीधे ग्रहण करने की विद्या अपनाई थी।